अब हमारा प्रथम कर्तव्य जो हिंदुस्तान में शांति रखने का या शांति स्थापित करने का था वो ठीक तरह से हुआ है तो अभी परिपूर्ण नहीं हुआ है, ये हमें मानना पड़ेगा। क्योंकि अभी तो हिंदुस्तान के भीतर में एक तो कश्मीर में लड़ाई चलती है और दूसरा हिंदुस्तान की हुजरी में हैदराबाद का एक बहुत बड़ा अल्सर पड़ा है और वहां से क्रोमी जहर दिन प्रतिदिन उबल रहा है, फैल रहा है। उन दोनों चीज का फैसला करने की हमारी पूरी कोशिश है और हम उम्मीद रखते हैं और हम विश्वास भी दिलाना चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके इतना हम करेंगे। लेकिन ये तो मुल्क के भीतर की बात है, हमारे मुल्क के आसपास जो हालत है उसके पर हमें ख्याल रखना है। चाइना में एक समय पर ऐसी हम उम्मीद रखते थे कि चाइना सारा एशिया की आगेवानी लेगा, लेकिन वहां की जो भीतर की हालत है उससे मालूम पड़ता है कि वहां से हमको कोई उम्मीद नहीं है और वहां बड़ा दुख है। और चाइना में जो आज हालत हो रही है ऐसी हालत दुनिया में कोई मुल्क की नहीं है। अब उसके पास आप देखें मलाया, वहां भी फिसाद हो रही है, इंडो चाइना वहां भी फिसाद हो रही है, और देखे ब्रह्मदेश हमारे पास, हमारे साथ साथ उनको आजादी मिल गई, उसकी क्या हालत है। बड़ी चिंताजनक हालत है और हमारे पास लगोलग पड़ा है और हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में उसका चेप फैलने में देर न लगे ऐसी हालत है, इसलिए हमें बड़ी सावधानता की जरूरत है।